इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भी विवाद रहा है। और अब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति जता दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार ने विपक्ष की ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर के जरिए देश में लोकसभा का चुनाव कराने के लिए मांग पर सहमति जता दी है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार के इस फैसले के दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत में पिछले कई सालों से ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। भारत की कई विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम के हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग BIC ने अगले 12वें संसदीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग नहीं करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में इस साल के अंत से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे और अगले साल जनवरी महीने में मतदान होंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने ईवीएम रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि बांग्लादेश में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए बांग्लादेश के सभी 300 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बैलेट पेपर और पारदर्शी मतपेटियों का उपयोग होगा। इसकी घोषणा बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कर दी है। ढाका में कहा है कि पुराने पेपर वैलेट को वापस लाने से शेख हसीना की सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की छवि व निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, सरकार ने चुनाव में डिजिटल मशीन का इस्तेमाल करना इसलिए चुना था क्योंकि सरकार को लगा था कि देश की जनता आधुनिक तरीके से चुनाव में भाग लेना चाहेगी, लेकिन मशीन की तटस्थता और आपत्ति जताई गई है, लिहाजा हम यह चुनाव आयोग पर छोड़ रहे हैं कि वो क्या फैसला लेंगे। हम चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करेंगे और अब चुनाव आयोग ने वैलिड पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।